हेलो लर्नर्स, आज हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी कि धारा घनत्व तथा चालकता में संबंध। ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो तो धारा घनत्व है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, चालकता कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। चालकता कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर को, ठीक है। मानते हैं ये एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, जैसे अभी तक हम मानते आए हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। फिर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस वजह से जो कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा। तो अब आप इसको इस तरीके से लिखिए, माना एक चालक है जिसकी लंबाई L है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। फिर लिखिए, माना चालक का प्रतिरोध R है तथा सिरों के बीच विभांतर V है, ठीक है। फिर लिखिए, ओम के नियमानुसार ओम का लॉ क्या कहता है, V cos to I R, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि V की वैल्यू को E के टर्म में लिखेंगे, I की वैल्यू को हम J की टर्म में लिखेंगे और R की वैल्यू को हम सिग्मा के टर्म में लिखेंगे। फिर हम उन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें फाइनल जो धारा घनत्व है यानी जे और चालकता यानी कि सिग्मा, जे और सिग्मा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमें पता है, सिंस इक्वल्स टू वी बाई एल, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था ना, जहां हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ओम्स का जो हमने प्रूफ किया था, तो वहां हमने देखा था इक्वल्स टू वी बाई एल, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया था। यहां से जो वी है वो आ जाएगा E इंटू एल, और ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला आया है dV cos to माइनस E डॉट dr से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया V के लिए, हम E, V को हमने E के टर्म में लिख लिया। फिर I के लिए हमें पता है धारा घनत्व J इक्वल्स टू I अपॉन A, होता है ना ये फॉर्मूला। फिर I की वैल्यू से इक्वेशन से निकल जाएगी, I हो जाएगा J इंटू A, ठीक है। I की वैल्यू भी हमने J के टर्म में निकाल ली। अब हम R की वैल्यू सिग्मा के टर्म में निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देती हूं मैं, देखिए, सिंस प्रतिरोध का ये फॉर्मूला हमें पता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो रो की जगह हमें पता है ये फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू वन बाई रो, ठीक है। तो यहां से रो की वैल्यू क्या जाएगी, वन अपॉन सिग्मा, तो इस रो की जगह हम पुट करेंगे वन अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई सिग्मा ए, ठीक है। इस रो की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वन अपॉन सिग्मा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से हमने R को सिग्मा के टर्म में लिख लिया, हमने I को J के टर्म में लिख लिया, V को हमने E के टर्म में लिख लिया। अब हम V, I, R इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे ओम के नियम में, ठीक है। तो लिखिए, V, I तथा R का यह मान समीकरण, इसको एक मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह मान समीकरण एक में रखने पर, यह मान समीकरण एक में रखने पर, जब आप इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो V की जगह आप लिख सकते हो ई एल, आई की जगह आप लिखोगे जे ए, और R की जगह आप लिखोगे L डिवाइडेड बाय सिग्मा A। तो यहां से देखिए, ए ए कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है,
जे डिवाइडेड बाई सिग्मा, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट है ये काफी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।